अब अपनी पूरी जिंदगी ज़ोहरा के इंतजार में नहीं गुजार सकते सईद। भूल जाओ उसे, क्योंकि ज़ोहरा फिकरत कराकिया की बीवी बन गई है। गणेश को अपना लो तुम। सईद ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे पीछे। सईद बेवकूफ था जो उसने तुम्हें भरोसा किया था। हरगिज कुछ नहीं भूलूंगा। हेलो। हेलो, सलाम। आदिल कह रहा था कि नजमी साहब ने गणेश के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है, लेकिन तुमने अभी कोई जवाब नहीं दिया। नजमी साहब अभी जिंदा है तो मैं कैसे उनकी वसीयत खोल सकता हूँ, बताइए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है। दरअसल वो, मैं भी बेबस हूँ क्योंकि मेरे पास भी वक्त नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम जानते हो जाकिर को, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो मेरा क्या हशर करेगा। तुम मुझसे अब क्या चाहती हैं? नजमी साहब जो तुमसे चाहते हैं वो ही चाहती हूँ। गणेश को अपना लो तुम, लेकिन तुम्हारा जो भी जवाब होगा वो मुझे अभी चाहिए तुमसे। मुझे मायूस मत करना। अगर मैं हाँ भी कह देता हूँ और ये जिम्मेदारी उठा भी लेता हूँ तो ये उसकी देखभाल करने से कहीं ज्यादा है, जबकि गणेश मुझमें दिलचस्पी रखती है और ये बात ज़ोहरा भी जानती है। अगर मैं उसे कबूल करता हूँ तो ज़ोहरा को मैं खो दूंगा। गणेश को अपना लो तुम। ज़ोहरा के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़ोहरा जानती है कि तुम कितने बहादुर और ईमानदार इंसान हो। तुम गलत नहीं कर सकते। और तुम अपनी पूरी जिंदगी ज़ोहरा के इंतजार में नहीं गुजार सकते सईद। भूल जाओ उसे, क्योंकि ज़ोहरा फिकरत कराकिया की बीवी बन गई है।
सईद, क्या करोगे अब? तुमने सोचा भी है क्या वाकई गुनेश की देखभाल कर पाओगे? क्या भूल जाओगे जोहरा को? वैसे तुम्हें जोहरा को पहले ही भूल जाना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती, वो किसी और की बीवी है। सरमा, सरमा के गुनाह का बोझ उठा सकते हो क्या ताकि सुकून मिले उसे? नजमी साहब, आदिल, अम्मी, रुबैदा, इब्राहिम, शरीफा, जाकिर, अली, फिकरत, सबका बोझ उठा। बेवकूफ हो तुम कि तुम्हें एक लड़की से मोहब्बत होगी और जिसकी वजह से तुमने अपने घर को और सारे के सारे खानदान को अपने साथ इस कहानी में घसीट लिया, और सबके बाद क्या हासिल किया? क्या हासिल किया? हर चीज हाथों से बर्बाद कर दी। बहादुर सईद, ईमानदार सईद, हर किसी ने तुम पर भरोसा किया सईद, हर किसी को खुश रखने के लिए तुमने हर किसी को संभाल लिया, लेकिन उसके बाद तुम्हें क्या मिला? छोड़ के चली गई। जोरा किसी और की हो गई, किसी और की बीवी है। पता है, हमेशा उसकी थोड़ी सी झलक देखकर ही खुश हो जाता था मैं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम खुशी दोगी मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या मिला मुझे? अब मेरे पास आकर कहती हो कि मुझे भूल जाओ? अरे भूल जाओ सईद, क्या हो गया तुम्हें? मुझे भूल क्यों नहीं जाते सईद? सईद तुम समझ क्यों नहीं रहे? खुदा के वास्ते तुम्हें मुझे भूलना होगा सईद। ठीक है, दिल से बुला देगा तुम्हें सईद, लेकिन उन चीजों का क्या जो छीन ली तुमने मुझसे? कौन हिसाब देगा उन चीजों का? क्या वो वक्त लौटा सकती हो? क्या कर सकती हो बताओ? सईद ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे पीछे। सईद बेवकूफ था जो उसने तुम पे भरोसा किया था। हरगिज़ कुछ नहीं भूलूंगा, यह सईद का हक है। जो कुछ तुमने किया, क्या तुम में हिम्मत है भूलने की? सईद, सब ठीक है? ठीक हूँ। गुनेश, बाबा जान। गुनेश बेटा। जी पापा, बोले। जाकिर ने क्या कहा? अभी ये बातें नहीं करें बाबा, परेशान नहीं हो। सुनो बेटा, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा दिल से अपनी बेटी माना है। मैंने तुम्हें हमेशा खुद से बढ़कर तरजीह दी है बेटा, और बेटा मैंने खुद से तुम्हारा नाम गुनेश रखा। कुछ भी नहीं बदलेगा बाबा, आप ही मेरे बाबा हैं, मैं सिर्फ आप ही की बेटी हूं गुनेश। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बाबा, और हम साथ में घर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा पहले जैसा। सिरमा, सिरमा तुम्हारी माँ है। आदिल तुम्हारा चाचा है, सब बताएगा। सईद, नजमी साहब। सईद, गणेश। वही करूंगा जो आप चाहते हैं, अब फिक्र मत कीजिए, वादा है मेरा आपसे। तुम्हारा शुक्रिया बाबा। आदिल बुलाओ किसी को। बाबा, नर्स यहाँ आए जल्दी। बाबा जान, बाबा जान, बाबा उठे, बाबा जान। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। पाल्स गिर रही है इनकी, हमें हार्ट पुश करना होगा, जल्दी जल्दी करो नर्स। बाबा
पापा जान। मैडम आपसे कह दिया ना आप पीछे हट जाएं, मैं हमारा काम करने दें। कोशिश करें डॉक्टर। सॉरी, पेशेंट इज नो मोर, माफ कर दीजिएगा। पापा, पापा, पापा उठे, पापा, पापा, पापा उठे, पापा उठे, पापा, पापा उठ जाए, पापा, पापा मुझे छोड़ के मत जाए, पापा, पापा छोड़ के नहीं जाए मुझे। गणेश। क्यों दसदा नहीं मैनू कित्थे लग तेरा दिल गया वे, मैनू लगदा इत्थे